हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटरनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइए। तो आज काफी दिनों के बाद हम दोबारा से वापस लौट रहे हैं अपनी कंपोजिट मैथमेटिक्स में। कुछ बच्चों के मैसेजेस भी आए, टेलीग्राम पर भी आए और ईमेल भी किया हमने तिवारी class812@gmail.com पर कि सर चैप्टर नंबर 5 की हमें करा दीजिएगा, जो हमें समझ में नहीं आ रहा। चैप्टर नंबर 5 सी एक बार मैं आज आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको देखेंगे जरा ध्यान से। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि x प्लस 2 की आपको जो मल्टीप्लाई करनी है किसमें करनी है, x प्लस 5 में। x प्लस 5 आइए देखिए, सबसे पहले बहुत सिंपल वे से बताएंगे। सबसे x की मल्टीप्लाई कर लीजिए किसमें, x प्लस 5 में, फिर प्लस का साइन है। देखिए थोड़ा धीरे से, x को ऐसे लिखना है, x प्लस 5 में मल्टीप्लाई करनी है, प्लस का साइन लगा लीजिएगा, 2 लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, अब किसमें कर दीजिएगा, x प्लस 5 में। आइए सॉल्व करिए, देखिए कैसे करेंगे। x की x में मल्टीप्लाई सर कर देंगे कितना आ गया, x स्क्वायर। x की 5 में सर कर देंगे कितना आ जाएगा सर, 5x। सर 2 की x में कर देंगे कितना आ जाएगा सर, 2x। सर 2 की 5 में कर देंगे सर कितना, 2 5 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बात कहेंगे यस सर बात समझ में आ गई। x स्क्वायर बच्चों ऐसे ही दीजिएगा, 5x और 2x कितना हो जाएगा सर, 7x। ये कांस्टेंट वैल्यू है तो आप 10 को ऐसे ही लिख देंगे। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, हम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे और आप लोग बाद में बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो ये कैसी लगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे हम लोग। आइए क्या है, x माइनस 4 और x प्लस 9। x प्लस 9, चलिए देखिए इसको भी ध्यान से समझना थोड़ा सा इसको भी। आप लोग क्या बताया सर, x की मल्टीप्लाई पहले x प्लस 9 में, अब की माइनस का साइन है सर माइनस 4 और x प्लस क्या आ गया यहाँ पर आपका 9। करिए मल्टीप्लाई सर, x की x में कर देंगे x स्क्वायर, x की 9 में कर दी सर 9x हो जाएगा, फिर 4 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x और 4 माइनस का कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। x स्क्वायर 9 में से 4 जाएगा प्लस में 5x और माइनस का कितना आ गया 36। इतने इजी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीन ले लीजिएगा। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है तिवारी मैथ्स क्लासेस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, तिवारी मैथ्स क्लासेस। और अगर हमारे मेरे खुद से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स गुरु शिवम 87 पर आप लोग सर्च कर सकते हैं और वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ईमेल आईडी तिवारी क्लासेस 812@gmail.com और टेलीग्राम क्लासेस हमारा जो है चैनल तिवारी क्लासेस स्टूडियो मैथमेटिक्स को आप सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 2 आपका कंप्लीट हुआ, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम 3 करते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर और प्यार अपने ऐसे ही बनाते रहेंगे जैसा अब तक आपका चलता आ रहा है, और आपको यहाँ पर हम नई नई क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम 3 पर, x माइनस 7 और x माइनस 9। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा किसमें, x माइनस 9 में, फिर माइनस का साइन है 7 और फिर किसमें कर लीजिएगा x माइनस 9। ठीक बात समझ में आ गई। आइए देखते x की x में मल्टीप्लाई कर दी x स्क्वायर, x की 9 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर 9x, माइनस के 7x हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा सर प्लस, और 7 9 जा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। सर सॉल्व करिएगा, एक्स स्क्वायर 9 और 7 कितना हो जाता है बच्चों 16 हो जाता है, कितना हो जाता है 16 और प्लस का कितना हो जाता है 63। यही क्या है आपका आंसर है। क्या कुछ हार्ड है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन, आपको इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। और जब भी कभी ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आ गई, और जिसके फैक्टराइज करने को कहेगा तो आप इसको ऑपोजिट लेके चलेंगे इस तरीके से, समझ रहे बात को, इसको कहते हैं फैक्टराइज करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेंगे। आइए हम लोग क्या दी थी क्वेश्चन नंबर 4 में, आराम से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। वैसे तो कंपोजिट मैथमेटिक्स का फुल्ली सॉल्व अपना अपलोड है यहाँ पे, सॉल्यूशन कंप्लीट अपलोड है, आप लोग वहां से भी उसको देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट अपलोड है वैसे तो। आइए x स्क्वायर 5
एक्स स्क्वायर माइनस आइए इसका हम लोग करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो आप लोग वहां से भी इसको पूरी देख सकते हैं, एक्स आई वहां अपलोड है आपकी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 22 आपका जो प्लेइंग विद नंबर्स है कंप्लीट अपलोड है सॉल्यूशन वहां आप लोग देख सकते हो। देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स आते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए एक्स स्क्वायर की पहले पूरे में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 6, प्लस का साइन है सर 5 लगा दीजिएगा फिर से सर एक्स स्क्वायर माइनस 6 बात समझ में आ गई। आप कहेंगे सर आगे बात समझ में आइए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर की जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 6x स्क्वायर, जब प्लस का साइन है लगा दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना जाएगा 5x स्क्वायर और 5 6 का कितना होता है सर 30 होता है। एक्स की पावर 4 को आप ऐसे ही लिख देंगे बात समझ में आ गई यस सर। माइनस प्लस क्या होता है सर माइनस होता है और 6 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस का 30, ये कांस्टेंट वैल्यू आपकी सेम है। देखिए आप लोग लीनियर इक्वेशन भी कर आए हैं वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही लेना है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ लेना है, कहीं ऐसा मत करना कि आप कह दो 6 और 30 सर 36 हो जाएगा सर 5 माइनस का, तो नहीं बच्चों ऐसा मत करना, पावर देख लीजिएगा दोनों वेरिएबल चेक कर लीजिएगा ये कांस्टेंट वैल्यू एकदम डिफरेंट है। तो आंसर कितना आया एक्स की पावर 4, 6 में से 5 जाएगा कितना आ गया आपका 1 और माइनस का कितना आ गया आपका 30। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 5 पर और 5 में क्या गिनी आई उसको देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए, कोशिश करिएगा खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, बहुत बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर होमवर्क मत दीजिएगा, तो बच्चों जब होमवर्क देंगे जब भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग हमें बताएंगे सर समझ में नहीं आया सर समझ में ही नहीं आ रहा कैसे करना, तो जब भी तो पता चल पाएगा, और हम ही अगर सारे क्वेश्चन कर देंगे तो आप क्या सीखेंगे 5x माइनस 3y और 3x प्लस 4y, ये है भैया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे जरा वीडियो को पॉज करने के बाद में, चलिए खुद भी ट्राई करेंगे एक बार इसको, आप खुद एक बार ट्राई करेंगे आप लोग इसको, चलिए देखिए हम एक बार फिर से एक बार आप लोग सब थोड़ा ध्यान से वीडियो को एकदम सारे काम बंद करके यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए 5x को ऐसे ही लिखना है मल्टीप्लाई पहले 3x प्लस 4y, समझिए ध्यान से इसमें करेंगे माइनस का साइन है सर 3y हो जाएगा, अब किसमें सर 3x प्लस 4y है, बात समझ में आ गई यस सर आगे बात में आइए 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 सर, x की x में करेंगे सर x स्क्वायर, 5 4 जा सर 20 होता है सर x की y में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस प्लस सर माइनस होता है 3 3 जा 9 एक्स वाई हो जाएगा सर, और माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 और कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, बात समझ में आ गई सर आगे बस 15x स्क्वायर 20xy में से 9xy जाएगा सर कितना आएगा 11xy और सर माइनस का 12y, यही क्या हो गया बच्चों आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, आइए 6 देख लेते हैं क्या कहना है, चलिए ज्यादा लेंथ वीडियो नहीं बनाएंगे हम, ऑनली 10 या 20 15 मिनट की वीडियो लेकर के चलेंगे हम लोग, पार्ट जितने भी हो जाएंगे उतने हम कोशिश करेंगे करने की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए अपने हम 6 पर, 6 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, 6 कह रहा है 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है आपका 6 बच्चों। चलिए देखिए कैसे करना मल्टीप्लाई, सबसे पहले सर 5x स्क्वायर को कैसे लिख दीजिएगा, अंदर कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 7y स्क्वायर, प्लस का साइन 2y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस का 7y स्क्वायर, आई मल्टीप्लाई कर रही 5 3 जा सर 15, x स्क्वायर के x स्क्वायर में x की पावर 4, 5 7 जा सर होता है 35 सर x स्क्वायर की y स्क्वायर में यानी x स्क्वायर y स्क्वायर, सर 2 3 जा करवाइए सर 6 हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, सर 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा y की पावर, बात समझ में आ गई यस सर 15x की पावर 4, 35 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा आपका बताइए 29 हो जाएगा ठीक है, और माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा सर क्योंकि सर 35 माइनस का यहाँ पर क्या बड़ा है और माइनस का कितना बच्चों 14y स्क्वायर सॉरी y की पावर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने कौन से पर 7 पर, और 7 क्या कह रहा है ये उस पर हम लोग थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, सॉरी आराम से आप लोग इसको नोट कर लेंगे
आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर उसको हम लोग अब करेंगे। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बेस है एक तरह से, मानिए 9th 10th 11th 12th जहां भी आप लोग जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, वही आपका बेस्ट, क्योंकि 9th क्लास में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले। 3x + 5y / 7 और 2x - 3y / 7 ये आपका क्वेश्चन आई। देखिए चलिए कैसे करेंगे सर, 3x की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2x - 3y / 7, उसके बाद सर 5y / 7 की मल्टीप्लाई सर 2x - 3y / 7। बात समझ में आ गई, आप कहेंगे यस सर आगे बात करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 3 × 2 = 6x² हो जाएगा, 3 × 3 = 9xy / 7। आइए यहां देखिए प्लस, ठीक बच्चों बात समझ में आ गई, 5 × 2 = 10 हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा अपॉन में कितना सर 7 है, ठीक। 5 × 3 = 15 और 7 × 7 = 49 और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए 6x² देखिए, दोनों के एलसीएम सेम है और 9 में से 10 जाएगा कितना आएगा भैया माइनस का एक्स वाई, या आप लिख सकते हैं माइनस का 1/7xy और माइनस का 15/49y। तो ये हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक, बाकी के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 to 16 तक तो बात ही कर लेंगे, करीब 8 to 14 तक बात करें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सेकंड में। वीडियो कैसी लगी आज, कुछ ही आपको बेसिस जो आपके आए उसके अकॉर्डिंग हमने समझाने की कोशिश करी, बच्चों ने कहा सर 5 क्वेश्चन तक तो कम से कम करा दीजिएगा, एक बार समझा दीजिएगा हमें समझ में आ जाएगा, हमारे एग्जाम्स हैं सर, तो कोशिश करी समझाने की। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना है और अपने दोस्तों को भी वीडियो मतलब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करा देंगे, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल अपलोड करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम जिनके भी चलने वाले हैं, गुड बाय।